Hello everyone and welcome back to the channel. My name is Rahul and this episode is an extension to the previous episode that was on the stops of light. पहले हमने जाना था कि हम light को stops में measure करते हैं. आज हम जानेंगे कि ISO, shutter speed और aperture को हम stops के साथ कैसे relate करते हैं. तो पहले हम शुरू करते हैं ISO के साथ. जैसे कि हमें पता है कि ISO की values बढ़ाने पे हमारी sensor की light sensitivity बढ़ती है. इसके वजह से हमारी final image में light ज़्यादा आती है. एंड वाइज वर्सा. अब हम एक सैम्पल लेते हैं ISO वैल्यूज़ का, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 1600. अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हम 100 से 1600 की तरफ मूव करेंगे तो हमारी लाइट सेंसिटिविटी बढ़ेगी. इसका मतलब हमारी फाइनल इमेज में लाइट की अमाउंट बढ़ेगी. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 ISO वैल्यूज़ से 200 ISO वैल्यूज़ पर जंप करते हैं तो हमें पता है कि हम यहाँ पर लाइट बढ़ा रहे हैं. लेकिन हम कितनी लाइट बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर लाइट को डबल कर रहे हैं. दैट इज वी आर डबलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट. इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट दैट वी आर एडिंग वन स्टॉप ऑफ लाइट टू द इमेज. अब अगर हम 100 से 400 ISO में जंप करते हैं तो यहां पे वी विल एड टू स्टॉप्स ऑफ लाइट टू द इमेज. नाउ सपोज हम 1600 ISO वैल्यूज से लोअर डाउन करके 800 पे आ रहे हैं, यानी कि हम अमाउंट ऑफ लाइट रिड्यूस कर रहे हैं. लेकिन ये अमाउंट ऑफ लाइट कितनी रिड्यूस हो रही है, हम इस टाइम अमाउंट ऑफ लाइट को हाफ कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी आर रिड्यूसिंग वन स्टॉप ऑफ लाइट. और अगर हम 1600 ISO से 400 ISO पे आते हैं तो हियर वी आर रिड्यूसिंग टू स्टॉप्स ऑफ लाइट इन द इमेज. अब हम आते हैं शटर स्पीड में. जैसे कि हमें पता है कि शटर स्पीड को हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फिर सेकंड्स में काउंट करते हैं, और जितना फास्ट हम शटर स्पीड रखेंगे उतनी सेंसर पे लाइट कम आएगी. अब यहाँ पे हम सैंपल लेते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. ये बस एक एग्जांपल के लिए. सो द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पे जो हमारा शटर स्पीड्स हैं ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 1/25th ऑफ अ सेकेंड टिल 4000th ऑफ अ सेकेंड, जहाँ पे 1/25th ऑफ अ सेकेंड स्लोएस्ट है कंपेयर टू द अदर वैल्यूज. तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ लाइट. अगर फॉर एग्जांपल हम 1/25th ऑफ अ सेकंड से अपनी शटर चेंज करके 250th ऑफ अ सेकंड करते हैं तो यहाँ पे हम लाइट कम कर रहे हैं. कितनी लाइट कम कर रहे हैं, हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ लाइट को हाफ कर रहे हैं. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट वी आर रिड्यूसिंग द लाइट बाय वन स्टॉप. अब अगर हम 1/25th से 500th ऑफ अ सेकंड में जाते हैं तो इस केस में वी आर रिड्यूसिंग द लाइट बाय टू स्टॉप्स. नाउ अगर हम 1000th ऑफ अ सेकेंड से 500th ऑफ अ सेकेंड में आए तो हम ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा स्लो कर रहे हैं शटर स्पीड, तो हम लाइट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा, यानी कि हम यहाँ पे डबल द अमाउंट ऑफ लाइट कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वी आर एडिंग वन स्टॉप ऑफ लाइट है. और अगर हम 1000th ऑफ अ सेकेंड से 250th ऑफ अ सेकेंड में आए, अगेन हम यहाँ पे लाइट बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू स्टॉप्स ऑफ लाइट हेयर, दैट इज वी आर एडिंग टू स्टॉप्स ऑफ लाइट इन द इमेज. अब हम फाइनली आते हैं एपर्चर पे. एपर्चर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे एपर्चर की साइज कम होगी, यानी कि कम से कम लाइट एंटर करेगी. इसका मतलब कि अगर हम एपर्चर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे कैमरे के अंदर कम से कम लाइट जाती है. अब हम अगेन यहाँ पे एक सैम्पल लेते हैं. अब अनलाइक ISO और शटर स्पीड की तरह यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं होती कि डबल होती रहती है. यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं एपर्चर की, जैसे कि f1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 एंड देन 16 भी होता है, पर हम यहाँ पे 11 तक लेते हैं. सो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एपर्चर, हमारे यहाँ पे अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर कर रही है कैमरा के अंदर वो रिड्यूस होती है या फिर डिक्रीज होती है. तो अगर हम 1.4 एपर्चर से 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लाइट रिड्यूस कर रहे हैं. अब कितनी रिड्यूस कर रहे हैं, अगेन सेम चीज, हम यहाँ पे लाइट हाफ कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वी आर रिड्यूसिंग वन स्टॉप ऑफ लाइट इन द इमेज. नाउ अगर हम 1.4 एपर्चर से 2.8 पे जा रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग टू स्टॉप्स ऑफ लाइट इन द इमेज. बहुत सिंपल है ये चीज. अब अगर हम f4 यानी कि 4 एपर्चर से
2.8 पे आ रहे हैं, यानी कि हम साइज को बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ हम वन स्टॉप ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली F4 से F2 पे हम यहाँ पे +2 स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि हम दो स्टॉप बढ़ा रहे हैं। अब कैमरे की एपर्चर वैल्यूज जो होती हैं, इसमें आपने जनरली देखा होगा, जैसे कि एग्जांपल लेके हम स्टार्ट करते हैं इसे, F2.8 जो है और एक F4 है, जनरली इसके बीच में भी हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में F3.5 है, तो अब आखिर में ये F3.5 है क्या? ये एक फुल स्टॉप नहीं है, इसको हम बोलते हैं थर्ड स्टॉप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि हमारे एक फुल स्टॉप्स होती हैं और एक थर्ड स्टॉप होती हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, होप यू एन्जॉयड द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। थैंक यू।